हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं फिर से आपके लिए नई और टेस्टी रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं आपके लिए वेजिटेबल कटलेट की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और घर में अवेलेबल सब्जियों से आप इसे बना सकते हैं। अगर कोई गेस्ट आ रहा है तो ये रेसिपी आप ट्राई कर सकते हैं और ये अब फटाफट बन जाने वाली रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स, मैंने एक बड़े बाउल में 3 मीडियम साइज के आलू को उबाल के लिया है। मैंने आलू को पहले से उबाल लिया था और सही हम कर लेंगे मैश। फ्रेंड्स, आलू को ज़्यादा मैश ना उबाले, नहीं तो वो गीला हो जाएगा तो फिर कटलेट बनाना मुश्किल होगा। एक मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने फाइनली चॉप करके लिया है। एक मीडियम साइज़ के गाजर को मैंने छिलके उतार के उसे कद्दूकस करके लिया है। मैंने एक शिमला मिर्च लिया है, उसका आधा ही पार्ट मैंने यूज़ किया। आधा शिमला मिर्च को मैंने फाइनली चॉप करके लिया है। मैंने हरी मिर्च लिया है, 2 से 3 मैंने फाइनली चॉप करके लिया है। आप चाहे तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 1/4 कप हरी मटर लिया है, जिसे मैंने उबाल करके यूज़ किया है। ये मेरा 1/4 कप मटर उबला हुआ था। और मैंने 5 से 6 काजू लिया है, जिसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके लिया है। हम डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून जितना नींबू का रस। और मैंने इसमें धनिया पत्ता लिया है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, इससे टेस्ट और खुशबू बहुत अच्छी आएगी। 1 टेबल स्पून जितना मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है, 1/2 टी स्पून जितना हल्दी पाउडर डाला है, 1/2 टी स्पून जितना मैंने गरम मसाला पाउडर इसमें यूज़ किया है। अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। आप जितना नमक खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से इसमें नमक डालें। अब फ्रेंड्स, इसमें हम यूज़ करेंगे 1/2 कप जितना ब्रेड क्रम्स। ये बाइंडिंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने 1/2 कप जितना ही ब्रेड क्रम्स इसमें यूज़ किया है। और ब्रेड क्रम्स आप चाहें तो घर पर भी बना सकते हैं। अब हम सबको मिक्स करके अच्छे से मैश करते हुए मिक्स करेंगे, इसका एक डो जैसा हम तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं एक डो जैसा बन गया है। तो हम थोड़ा लेकर के उसे बाइंड करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं ये बाइंड हो रहा है, यानी कि ये हमारा तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, अब चलिए आगे का प्रोसेस करेंगे। इसकी वेजिटेबल कटलेट की कोटिंग के लिए मैंने 2 चम्मच मैदा लिया है। उसमें हम पानी डाल के उसका एक पतला सा घोल तैयार कर लेंगे, क्योंकि हमें इसमें इसे डिप करना होगा। तो इसे पतला सा घोल होना चाहिए और कोई लम्स भी नहीं होने चाहिए इसमें। तो आप देखते हैं कि हमारा अब ये तैयार हो गया है घोल। आप देख सकते हैं किस तरीके का होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब चलिए मैं आपको 3 तरीका बताने वाली हूँ कि आप अपने वेजिटेबल कटलेट को 3 तरीके से आप शेप दे सकते हैं। तो पहला शेप हम थोड़ा से सर्कल करेंगे और थोड़ा बीच से दबा करके इसे गोल शेप दे देंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके का है। आप एक ये शेप भी इसे दे सकते हैं। और दूसरा तरीका है इस तरीके का। आप थोड़ा इसे इस तरीके का भी वेजिटेबल कटलेट को शेप दे सकते हैं। मैंने उसे शेप देने से पहले मैंने हाथ में ऑयल से ग्रीसिंग कर ली थी, नहीं तो वो हाथ से चिपकेगा। इसलिए आप इसे शेप देने से पहले अपने हाथ की ग्रीसिंग कर लें। अब मैं इसे शेप देने के लिए कुकी कटर का यूज़ कर रही हूँ और मैंने थोड़ा उसके भी ऑयल से ग्रीसिंग कर ली है, ताकि इसे निकालना आसान हो जाएगा आपके कटलेट के शेप को। तो हम उसमें जो हमने डो बनाया है आलू का और सब्जियों का, वो हम उसमें डाल के थोड़ा अच्छा से दबा के उसे शेप दे देंगे। मैंने हार्ड शेप यूज़ किया है। आप चाहें तो कुकी कटर का और भी शेप्स आते हैं मार्केट में, आप जो चाहें वो शेप इसमें दे सकते हैं। मैंने आपको 3 तरीका दिखाया है, आपको जो सुटेबल लगे आप वो तरीके से आप अपने शेप देके बनाइए। और मैंने 3 से 4 बना के पहले से कटलेट रख लिया है। अब हम करेंगे ऑयल से गरम। तो एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम वेजिटेबल ऑयल डालेंगे। मैं डीप फ्राई करके बनाने वाली हूँ, आप चाहे तो डीप फ्राई करके भी बना सकते हैं। मैंने 1 कप ब्रेड क्रम्स ले लिया है, उसे मैंने अच्छे से प्लेट में फैला लिया है, क्योंकि हमें वेजिटेबल कटलेट की कोटिंग करनी है। हम पहले मैदा वाले मिक्सचर में इसे डालेंगे, थोड़ी डिप करेंगे और उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स में लपेट के इसकी कोटिंग करेंगे। फिर हम गरम तेल में इसे छोड़ देंगे। आप एक बार में जितना हैंडल कर सकते हैं उतना ही आप हैंडल करें, यानी कि आप डालें ऑयल में। मेरा कढ़ाई थोड़ा छोटा है तो इसलिए मैंने एक ही डाला है।
और अब हम इसे दोनों तरफ से लाल करना है हमें, और इसे बहुत सावधानी के साथ उल्टे, इसे पलटने के लिए थोड़ा बहुत सावधानी बरतना पड़ेगा, नहीं तो ये टूट सकता है। तो इसके बहुत सावधानी के साथ इसे पलटना है आपको और दोनों तरफ से इसे लाल कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से लाल हो गया है, तो हम इसे टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो होगा वो इसे निकल जाएगा। अब हम दूसरा इसमें डाल देंगे, ऐसे भी दोनों तरफ लाल होने तक अच्छे से पलट लेंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ से लाल हो गया है, तो आपका वेजिटेबल कटलेट अब तैयार है सर्व करने के लिए। अब जिसके साथ चाहते हैं उसके साथ सर्व कीजिए, टमाटो केचप धनिया पत्ता की चटनी आप जिसके साथ सर्व करें, ये खाने में बहुत ही टेस्टी होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन तो जरूर टैप करें, ताकि इसी तरीके से नई इजी और टेस्टी रेसिपी हम आपके लिए हमेशा लाते रहें। धन्यवाद।